अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। लव जिहाद का हवा खड़ा करके कैसे भगवा लव ट्रैप को अंजाम दिया जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। प्रोपोगंडा मूवीज और टीवी सीरियल्स और नफरती बयानों के जरिए एक ही समाज को निशाना बना जा रहा है और सच बोलने की हिम्मत किसी में नजर नहीं आती। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज की कई लड़कियों को मुर्तद बनाया जा चुका है और बनाया जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि इसे लेकर मुस्लिम समाज भी उतना संजीदा नजर नहीं आता जितना होना चाहिए। बेटियों को यकीनन पढ़ाना चाहिए, पर क्या तालीम की आड़ में फहश हुरियानियत की दलदल में बेटियां धस जाए, ये कहां तक सही है? सरकार किसी की भी हो, पर सवाल मुस्लिम समाज से ही किया जाता है। अगर कोई मामूली स्टेटस या फेसबुक पोस्ट भी करता है तो उसे थाने बुलाकर तहकीक की जाती है। मतलब वही मशहूर शेर के हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते। इसकी एक और वजह सामने आई है, जो समाज है अगर भगवा ब्रिगेड कहा जाए तो गलत ना होगा, वो चौकन्ना है, मुस्लिम समाज की हर हरकत पर नजर रखे हुए, लिहाजा छोटी सी गलती पर भी वह थाने पहुंच कर मुतालबात किए जाते हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी कौम ही सोई हुई है, दो चार लोग आवाज उठा भी रहे हैं तो इन्हें कौन पूछ रहा है या इनकी आवाज कौन सुन रहा है। और दोगलापन भी देखिए, अगर कोई इस्लाम छोड़कर लौटे तो वो घर वापसी, और कोई हिंदू लड़की मुसलमान से मोहब्बत करती है तो फिर लव जिहाद। खैर, आज फिर एक बार इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि वारदातें इतनी तेजी से पेश आ रही है कि एक आध दो का जिक्र जरूरी भी हो जाता है। अब तो मदरसे में पढ़ने वाली लड़की भी महफूज नहीं है, वैसे वाकये बहुत है। फिलहाल दो ही वाक्यों के जरिए मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि समाज माशरा हमारा इन वाकयात से बेदार हो जाए कि किस इंतहा तक मामला संजीदा बनता जा रहा है। कभी हम किताबों में, कहानियों, ड्रामों में सुना करते थे कि मोहब्बत एक फितरी अमल है और जब मोहब्बत हो जाती है तो किसी मजहब, धर्म, नस्ल, रंग, बरादरी, मुल्क की सरहदों को नहीं देखा जाता। इसलिए कहते हैं मोहब्बत होती नहीं, हो जाती है। लेकिन जब मोहब्बत साजिश के साथ अंजाम दी जाती है तो वो लव जिहाद या भगवा लव ट्रैप कहलाती है। पिछले कुछ अरसे से लफ्ज जिहाद की तौहीन मुसलसल की जा रही है, लेकिन कभी किसी इल्मी माहिरिन से हमने जिहाद को इस तरह बदनाम करने पर कहीं पर भी बयान नहीं सुने। जो चाहे मनमाने सामने कोई भी लफ्ज लगाकर जिहाद को बदनाम करता रहता है। जिहाद एक अजीम तरीन लफ्ज है जिसे जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अफजल तरीन जिहाद तो अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना है और जालिम के खिलाफ लड़ना भी जिहाद अफजल ही है। क्या महाभारत में धर्म युद्ध नहीं हुआ, ईसाइयों में क्रूसेड नहीं हुआ, तो फिर सिर्फ मुसलमानों के ही जिहाद से इतना एतराज क्यों है? दुनिया में जितने भी धर्म, नस्ल, जात पात है, सभी में जुल्म के खिलाफ लड़ने को कहा गया है। लिहाजा जिहाद अरबी लफ्ज है तो इस पे इतना हवा खड़ा किया जा रहा है, और मुसलमानों की गलती यह है कि नैरेटिव का जवाब हमने देना नहीं सीखा। लिहाजा आपके हर अमल पर एतराज किए जा रहे हैं और ये जिल्लत मुसलमानों के हाथों की कमाई है। आज भी जब कॉमन सिविल कोड पर बहस एहतजाज जारी है तो मुसलमानों में कहीं पर भी इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। हर जमात अपनी राय अपनी अलग से पेश करे, सभी जमातें अपने तौर पर एतराजात दर्ज करें। कॉमन सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश जारी है, यही इसकी हकीकत है। खैर, मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सीमा हैदर नाम की लड़की पाकिस्तान से सचिन नाम के लड़के से शादी करने के लिए भारत आई हुई है। कहा यह जा रहा है कि पबजी खेलते हुए इसे मोहब्बत हुई और पाकिस्तान से भारत आकर गंगा नहाकर हिंदू मजहब भी अख्तियार करना चाहती है। अब यह मोहब्बत कितनी सच्ची है नहीं है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। खैर, हम आज बात कर रहे हैं कैसे भगवा लव ट्रैप में मदरसों की लड़कियों को भी फंसाया जा सकता है। हैरान कर देने वाला भगवा लव ट्रैप को सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। खास बात यह भी है कि कैसे इंतजामिया यानी पुलिस और दीगर मोहकमा भी भगवा लव ट्रैप को सपोर्ट करने में शरीक हो जाता है। मुस्लिम लड़की को भगाया गया, शादी की गई, जबकि मुस्लिम नाबालिग लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पुलिस और अदालत ने टाल मटोल कर मामले को दबाने की कोशिश की। आखिरकार मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़की के साथ जबरन भेज दिया गया। आइए दर्दनाक दास्तान सुनते हैं भगवा लव ट्रैप की। उमूमन हम ये कहते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाली भगवा लव ट्रैप का शिकार जल्दी हो जाती है या किया जाता है, लेकिन आज जिस वारदात की बात करें उस लड़की का नाम आलिया परवीन है। मामला यूपी बिजनौर का है। आलिया परवीन मदरसे में पढ़ने वाली है, मुकम्मल दीन इस्लाम को जानने वाली है। ताज्जुब ना करे पर अपने आप पर अफसोस करे कि कैसे और कहाँ तक भगवा लव ट्रैप पहुँच चुका है। आलिया परवीन बिजनौर यूपी के सिवारा की है
और इसी सिवारा मोहल्ले का शुभम कुमार जो सऊदी में मुलाजिमत करता है, सोशल मीडिया कैसे काम करता है और सोशल मीडिया के जरिए कैसे मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है ये भी समझने की जरूरत है। जब मदरसे की लड़की ही निवाला तर बन सकती है तो कॉलेज जाने वालियों को कितना चौकन्ना रहना चाहिए ये पहले तो वालिदैन ही समझे। खैर वारदात की तरफ आते, सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग आलिया परवीन से शुभम कुमार ने रابطہ कायम किया और इस्लाम को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाने लगा और आलिया परवीन से कहने लगा कि तुम मुझे इस्लाम कबूल करने मेरी मदद करो, अगर इस्लाम कबूल करता हूँ तो किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता हूँ वगैरह, बोलकर उसने आलिया का दिल जीत लिया। अब शुभम कलमा भी पढ़ने लगा। ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे एक भगवा लव ट्रैप अंजाम दिया जाता है, इनकी मुख्तलिफ तंजीमें इसी तरह से काम करती है, ये उनका मोडस ऑपरेंडी है। अब शुभम कलमा भी पढ़ने लगा, अब आलिया भी शुभम को चाहने लगे और कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ मैं तुमसे शादी करती हूँ। फोन पर देर रात तक चैटिंग और फोन पर बातों का घर वालों को हमेशा की तरह इल्म नहीं था और किसी को इसकी भनक भी नहीं थी। पर एक दिन आलिया के भाई अनस ने किसी को फोन पर बात करते हुए देखा तो मालूम हुआ कि इसी मोहल्ले का शुभम है जिससे आलिया फोन पर बात करती है, लिहाजा घर वालों को ताज्जुब और गुस्सा आया। आखिरकार घर वालों ने आलिया की शादी कराई, आलिया की शादी तो हो गई पर शुभम से मोहब्बत अब भी जिंदा थी, शुभम से छिपकर बातचीत जारी थी। जब ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने भी नाराजगी जताई। इसी दरमियान ये भी खबर आती है कि आलिया शुभम के साथ बिजनौर छोड़कर कहीं भाग गई। इत्तला के मुताबिक इलाहाबाद को शुभम उसे भगा ले जाता है। जब घर वालों को मालूम होता है तो आलिया के घर वाले सेवारा पुलिस थाने में अनस जो फरियाद करता है अपनी फरियाद दर्ज कराते हैं और कहा कि शुभम कुमार ने बहन आलिया को किडनैप किया हुआ है। 2 महीने गुजरने के बाद दबाव जब बढ़ने लगा तो पुलिस ने आलिया को पकड़कर तो लाया और बजाय उनके माँ बाप के सुपुर्द करने के अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश कर बाल विकास केंद्र यानी कि चाइल्ड सेंटर में भेज दिया गया क्योंकि आलिया अब भी नाबालिग थी और जज ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से अपने घर नहीं जा सकती, जब मैं कहूंगी तब ही तुम अपने वालिदैन के पास जा सकती हो। जज एक महिला थी और इसके सामने आलिया ने भी कहा कि मुझे मेरे वालिदैन के पास भेज दो, मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, पर जज ने घर जाने से मना किया क्योंकि जज भी कैसे भगवा ब्रिगेड के हाथों खिदमत अंजाम दे रही। जज चाहती थी कि आलिया नाबालिग है और बालिग होने में अभी 2 महीने का वक्त है। अभी 6 जुलाई यानी कि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, 6 जुलाई को आलिया 18 साल की हो जाती है, लिहाजा पुलिस और जज दोनों ये बातें जानते थे। जैसे ही आलिया बालिग हुई यानी 18 साल की हुई तो अदालत जो एक महिला जज है जिसने चाइल्ड सेंटर में जाने का हुक्म दिया था, 18 साल होते ही अदालत ने फैसला सुनाया कि लड़की को उस हिंदू लड़के के हवाले किया जाए, जबकि वालिदैन को पूछे बगैर पुलिस अफसर विजय कुमार है जिसका नाम शुभम के हवाले किया गया। फिलहाल शुभम आलिया को लेकर कहां गया मालूम नहीं। घर वालों ने जज और पुलिस अफसर के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। ये भी खबर आ रही है कि अब इसके पीछे बजरंग दल वीएचपी आरएसएस भी है। आज इस मामले को पेश करने की वजह सिर्फ यही है कि किस तरह एक मुकम्मल साजिश जारी है, भगवा लव ट्रैप को कैसे पुलिस अदालत भी सपोर्ट कर रही है। एक और मामला इसी महीने में पेश आया, 35 साल की साहिबा से जितेंद्र जो उम्र में 13 साल छोटा था, दोनों की मुलाकात इसी सोशल मीडिया पर हुई, दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। आखिरकार जितेंद्र ने साहिबा को शराब पिलाया और उसका कत्ल कर दिया। जितेंद्र ने पुलिस तहकीक में बताया कि साहिबा शादी के लिए बार बार कह रही थी। अब पूरी उम्मत पर नजर डालकर देखिए कि मुस्लिम बेटियां कहां कहां मारी जाएंगी। आप ये ना समझे कि बेलगाम में सब कुछ नहीं हो रहा, कुछ जगहों पर जो हमने खुद उसमें जाकर देखा कि दुकानों में काम करने के लिए बुलाया जाता है और खुद बड़े शोरूम का मालिक ही किसी हिंदू लड़की से दोस्ती करवाता है और वही भगवा लव ट्रैप में एक और किसी हिंदू लड़के से दोस्ती करवाता है। फिर वही कहानी जहां दोहराई जा रही है, भगवा लव ट्रैप में एक और बेटी की मौत हो जाती है। अब इसके लिए कुछ हद तक देखा जाए तो मुस्लिम माशरा भी जिम्मेदार है, लड़कियों को फंसाकर इस्लाम की बातें या मुसलमान होने की बातें कहकर फंसाना आम बात होती जा रही है। बार बार कहने पर भी कुछ लड़कियां फंस ही रही हैं, इसे क्या कहा जाए। दुश्मन ने जाल ही इस तरह चारों तरफ फैलाया, गरीब मजबूर लड़कियां बड़े फैक्ट्रियों में शोरूम में जाती है जहाँ पहले से जाल बिछाया रहता है। मुसलमान अमीर तो है लेकिन इनका रुपया अलग जगह पर ही खर्च हो रहा है। खैर इस पर बड़े प्लेटफॉर्म पर बहस भी हो और इसके हल के लिए कोशिशें भी हो। इतना तो जरूर है कि भगवा लव ट्रैप बड़े पैमाने पर फैल चुका है, इससे हमें निपटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इस पर तमाम पूरा माशरा बैठकर तबादले ख्याल करने की जरूरत है।
बहुत ही संजीदा मसला है, इस पर जल्द हल निकालने की कोशिश तमाम जमातों की जानिब से होनी चाहिए। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये मैडम है, ठीक है, ये मना कर रही है, ये वो क्या बोलते हैं, लड़की आने के लिए तैयार थी, इनसे भी बात भी हुई है और एरों ने बात करी बाहर जाके, पता नहीं क्या बात करी, अब बोल दी कि आग तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या नहीं, उन्होंने बात भी करी आने के लिए, तो उन्होंने अभी बोल दी मैं कल को ऑर्डर बनाऊंगी, अपनी मर्जी से ऑर्डर बनाऊंगी, इनकी मर्जी चली गई ऑर्डर बनाने में, वो नाबालिग लड़की है, ठीक है। बच्ची आज आने के लिए कह रही है, मगर लेडीज ये वजह है कि लेडीज जो जो निकालने नहीं दे रही, मेरी बच्ची ने कह दिया मुझे निकालो आज ही, लेने भेजो उससे भी कह दिया, जस से निकलने नहीं दे रही हूँ, कह रही कल को निकाल लूंगी मैं, कल को मैं नहीं जाने की लड़की को, यूँ कह रही कल को निकाल लेंगे, कल को आने के लिए फिर निकलने नहीं दे रहे मेरी लड़की को, आज वो आने के लिए कह रही वीडियो कॉल पर बात करी, समझते रहो अभी निकाल दो, इसमें कह गई निकलने नहीं दे रही लेडीज जस। मेरा नाम मोहम्मद अनस है, ये मेरी बहन का मसला ये चल रहा है, आपने सुना भी होगा, ये 2 महीने पहले उसको लड़का किडनैप करके ले गया था नॉन मुस्लिम, तो अब उसको बरामद किया था 2 महीने से, पुलिस हमें टालम टोली में रख रही थी, तो अब उसको बरामद किया था पुलिस ने 21 तारीख को, तो नाबालिग थी लड़की, जब से नाबालिग थी फिर उसको नाबालिग के बाद में नारायण केंद्र भेज दिया, उसको 64 के बयान हुए, नारायण केंद्र भेजने के बाद में हमारी कोई उसे हमें मिलने भी नहीं दिया, ना कुछ करने दिया, ना पेपर बना के देते हैं, जैसे लड़की ने डायरेक्ट वीडियो कॉल भी बात करी है जस से, तो जस ने बोल दिया मैं अपनी मर्जी से पेपर बनाऊंगी, वैसे पेपर बना के नहीं दूंगी अपनी, अब पेपर बनाने भी इनकी मर्जी चलेगी, जब लड़की बोल रही है नाबालिग लड़की है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तो ये भेज नहीं रहे, आज वो बालिग हो चुकी थी लेकिन लड़के के साथ भेज दिया उसको बिना बताए, हमें बताया भी नहीं, ना उसके बयान हुए किसकी तरफ जाएगी किसकी तरफ नहीं जाएगी, तो उसे बिना हमें बिना बताए भेज चुके हैं वे लोग, अब वो पता नहीं कहाँ लेके गया कहाँ नहीं लेके गया, जिसने भेजा है चुपके से उसको।